और बड़ा समझते हैं, बड़ा समझते हैं जो भैंस होता, भैंस के बच्चे को बोलते हैं वो जेंट्स है, वो सौ पाड़े है। तो कोई ऐसा होशियार आदमी यहाँ है कि उनमें से एक पाड़ी छान के ले आए? एक पाड़ी छान के ला सकता है कोई? अरे तो पाड़े ही पाड़े हैं, उनमें से कहां से छतरेगी, है ही नहीं पाड़ी उसमें से, तो लाएगा कहां से वो? तो जहां जो जिस मार्ग मार्ग से वो होता ही नहीं है, उस मार्ग में लग रहा है, तो ये कैसे मिल जाएगा? ना संलग्न होने वाली है, छोड़ क्या दो, तुम करते क्या हो, छोड़ दोगे? सही चीज समझ के करने की बात हम कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे की धमकी हमें मत दो, कल छोड़ देते तो आज छोड़ दो, हम तो यही चाहते हैं। वस्तु का स्वरूप क्या है? हमारे गर्व हमारा भक्त करता है, तो अनंत काल पहले हो जाता है मूर्ख, एक सेकंड में बिगड़ गया और एक डेढ़ सेकंड में सुधर गया, ऐसा नहीं होता। हम अन्याय में क्या कह रहा हूं, अपन ऐसे नहीं करते, परिणाम समान कर नहीं समझते परिणाम। जब तक परमार्थों में सुख बुद्धि है, जब तक जिस भूमिका है उस भूमिका के योग्य राग उसमें आए बिना रहेगा ही नहीं। सारी दुनिया मिलके, सारे तीर्थंकर और चक्रवर्ती मिलके नहीं लौट सकते। अपने एक समय की होने वाली कल्याण को नहीं रोक सकते, तो मैं सुधार लूंगा तो मेरे को तो मेरे मेरे परिणाम बिगड़ जाएंगे, फिर मेरा दम बिगड़ जाएगा। ये ऐसा विचंदा बनता है, मुझे ये समझाया जाता है। भगवान आदिनाथ ने देव को देख लिया था कि तुम इस भव से इस भव में जाएगा, तो वहां से किस में जाएगा और वहां से किस में जाएगा, जैसे जितने भव होंगे वो सब उनने जान लिए, और उनमें रंज मात्र परिवर्तन तेरे इस विकल्प से नहीं होने वाला है। तो भव सुधारने की जरूर कोशिश करें, स्थूल उपदेश है ये सब। विकल्प जाल खड़ा करने की बातें है ना, आत्मा का अनुभव तो विकल्प जाल के अभाव में होता है, हर प्रकार के बोझे के अभाव में होता है। किसी भी प्रकार का बोझा हमें नहीं रखना है, तो कौन सा भव है जो बहुत बढ़िया है और हमें वो चाहिए? जिस भव में जाओगे, सुर में सुर में जाओगे, हार में जाओगे, सब जाओगे, सर्वाशुद्धि में जाओगे, सब जगह विशेषण तुम्हें मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और वो एक लेवल की अलग लेवल भी मिलती है, जो चौथे अनुष्ठान में जितनी होती है वो उतनी उतनी ही कम, उसकी एक ऊपर का भी और नीचे का दोनों का तो है। समझ गया, रेंज है, उस रेंज में ही होगा, कभी कम कम कभी ज्यादा, थोड़ा तो त्याग दे, थोड़ा तो कर दे, ये पानी को छोड़ दू, रात में नहीं सही, मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ करके कि तुम बहुत कोई बड़ा कमाल नहीं कर लोगे। छोड़ा रहेगा तो तुम्हारा भी स्वर्गालय का भव होगा, इसलिए तुम्हें ऐसे विकल्प आ रहे हैं, और यदि तुम्हें छोड़ने की बुद्धि आ गई तो समझ लो कि नरकालय का भाव आ गया है, वो तो तुम्हारी भूमिका के अनुसार ही हो रहा होगा। आप समझे ना, उसमें तुम्हारा कोई कर्तव्य तो है ही नहीं, तुम उसमें कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। तब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप बताओ, आप जैसा कहोगे हम जैसा कहेंगे, हम आपके लिए क्या करें? तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करो, ऐसा हो सकता हो तो करो, हम आपकी बात मानेंगे, तो हमारी यही बात है ना कि तुम कर ही नहीं सकते हो, और तुम कहते हम सब कुछ करने तैयार हो, मैं आकाश के पुल तोड़ के जाने को तैयार होते हैं आकाश में, क्यों?
आकाश में फूल होते हैं तो तुम आकाश के फूल तोड़ के ले आएगा, तो आकाश के फूल तोड़ने के लिए ये वस्तु का स्वरूप है। ये जो इसका कारण बता रहे हैं कि अनंत को त्रिगुण पर्याय से जाने, यही रास्ता है। हमें आए ना अब रास्ते में मिल वेद करता है। देखो बात कहां तक हो गई थी, सात निकालो तुम्हारे पास हो तो एक वेद काली पेट पर जो चिद विवर्तन की श्रेणियां हैं, गांठे हैं, गांठे पे अपन निकल गए। अब गांठों के बाद में जो पहला है तो थोड़ा कठिन, लेकिन थोड़ी बुद्धि तुम सूक्ष्म करोगे और मैं जो समझाऊ उस पर ध्यान दोगे तो समझ में नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो इसमें समझ लो कि मैं अगला पहला पढ़ने वाला हूँ, उसमें उसी बात बता रहा हूँ। इसमें एक उदाहरण दिया है मूर्तियों का सफेद हाथ। एक कुरान में क्या बनाया है, मूर्तियों का सफेद हार। तो हार है दिव्य, दिव्य की जगह, मूर्ति है पर्याय की जगह और सफेदी है गुण की जगह। एक मूर्तियों का एक हार है तो हार है दिव्य, मूर्ति है पर्याय और सफेदी है। देखो वास्तव में तो ये तीनों ही पर्याय हैं, हार ही पर्याय है, पुनगंध की स्कंद ही पर्याय है, हार भी पर्याय है और मूर्ति भी पर्याय है और वो सफेदी भी पर्याय है रंग मूर्ति, तीनों ही पर्याय है वसंत भाई। अब समझाने के लिए एक पर्याय को द्रव्य बनाया, एक पर्याय को गुण बनाया और एक पर्याय को पर्याय बनाया। ये उदाहरण है, ये आप अपने ध्यान में रखना। इस उदाहरण के आधार पर वे भगवान आत्मा तुम्हें समझा रहे, अरुण भगवान का त्रिगुण पर्याय समझाए। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला है जीव। एक जीव पकड़ा, एक जीव पकड़ा, लेकिन कौन सा आत्मा जीव पकड़ा, त्रैकालिक आत्मा। त्रैकालिक आत्मा माने अनादि अनंत आत्मा, अनादि अनंत आत्मा माने गुरु अनंत पर्यायों के अनुस्मृति से रचित प्रवाह वाला आत्मा। भगवान इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला है जीव। भूतकाल का तो भूत में जानेगा, वर्तमान भविष्य का तो भविष्य में जानेगा, तो त्रैकालिक आत्मा को क्या जाना। तो त्रैकालिक आत्मा में जो अखंड बना है ना वो द्रव्य का लक्षण है, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है। आप हार खरीदो तो फिर हार का मान लो 1,00,000 रुपया आपने दिया और हार ले लिया तो मोतियों के कितने पीछे देने पड़ेंगे, जो मतलब मूर्ति है मूर्तियों का हार है तो भाई ना मूर्ति के अलावा है क्या। तो कुल 1,00,000 रुपए का जो हार है उसमें मोती मुफ्त में आ गए कि नहीं, जब मोती 1,00,000 में आए और हार मुफ्त में आ गया। अरे मुफ्त में कोई नहीं आया, वो दोनों का एक ही नाम है ना, माने उन मोतियों को हमने हार में संचित कर लिया, संचित कर लिया माने समा दिया, इसमें समा कर दिया ये हार है, ये मोती का रूप है। जिस प्रकार मोतियों को झूठ के हार के अंतर्गत माना जाता है ना, अंदर में आ गए
उसी प्रकार चित विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके चैतन्य के जो विवर्त है मैंने पर्याय है उनको चेतन में शामिल कर दो। फिर मूर्तियों को हाथ में शामिल कर लिया तो चैतन्य की जितनी भी पर्याय है उन सबको चैतन्य में शामिल करके अब क्या रह गया? पर्याय तो शामिल हो गए आ गई, अब क्या रह गया? तो कहते देखो विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से गुण किसे कहते हैं? बोलना मत अन्वय का विशेषण गुण गुण है, अन्वय से उत्पन्न अन्वय का विशेषण से गुण और अन्वय का व्यतिरेक हो पर्याय, ठीक है ना? तो ये विशेषण आ गया कि विशेषण विशेष हमने व्यक्त किया ना तो गुण तो हुआ विशेषण और विशेष हुआ कौन? अपना आत्मा, उसका विशेषण है ना। तो कहते हैं विशेषण विशेषत्व की जो वासना है इसको भी वासना कह रहे, इसको भी अंतर ध्यान होने से ये भी समागे, अंतर ध्यान माने समागे मन को विकल्प नहीं उठ रहा, गुण गुण मुनि का विकल्प नहीं उठ रहा। जिस प्रकार सफेदी को भी हार के अंतर्गत किया जाता है कि मुझे सफेद हार का तो पैसा इतना और सफेद हार का कितना, सफेदी का कितना यानी जो उसमें आ गया तो हार में मोतियों का भी संक्षेपण कर लिया और सफेदी का भी संक्षेपण कर लिया। यदि भगवान आत्मा में पर्यायों का भी संक्षेपण कर लिया और गुणों का भी संक्षेपण कर लिया और असंख्य प्रदेशों का भी संक्षेपण कर लिया है ना। जिस प्रकार सफेदी हार में ही अंदर किया जाता है उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके चैतन्य माने गुण उसको चेतन में ही समा लो, तो चेतन में समा गया है ना करके जिस प्रकार किया जाता है करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर अगर बस हार जानो अब मोती मत जानो, मोती की बात मत करो, सफेदी की बात मत करो, बस हार की बात करो, हार में सब आ गया। अब हार में सब आ गया वो तो हार में समा दिया और अब हार की बात मत करो यानी विकल्प का निषेध किया, भेद का निषेध किया, तुम हार और मोती और सफेदी ऐसा भेद मत जानो, तो इसे बोलते हैं भेद का निषेध। अब अपन पर्याय का तो भेद का तो निषेध ऐसे ही करते हैं, पर्याय पर्याय ने भी भेद का निषेध कराया है और वो अखंड तो रखी ना क्योंकि वो द्रव्य का लक्षण है तो द्रव्य कह कर भी उसे रखा ना, तो दोनों की पोजिशन एक क्रिया करनी है, जो अपने एक चक्कर चलता है ना वह पर्याय की तो एकदम छुट्टी और गुण का तो भेद निकाला है, गुण भेद निकाला है, प्रेद ऐसे पर्याय भेद भी निकाला है और दोनों का अभेद संक्षेपण करके गुण रखा है। जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में अब एक कैसे होगा तुम्हारा नाम कर्म का नाश प्रकार का नाश एक कैसे होगा वो बता रहे, उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म की क्रिया का प्रभाव क्षय को प्राप्त होता जाता है। फिर में कर्ता कर्म कर्म ऐसा विकल्प जो होता था वो भी क्षय होता जाता है, वो भी समाहित हो जाता है, कहां जाता है पता नहीं आता, वही समाहित हो गया। इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है, कृष्ण कहते हैं निष्क्रिय चिन्मय, वो चिन्मय भगवान आत्मा है वो निष्क्रिय है, तो रह गया उसके गुण उसके प्रदेश उसकी पर्याय ये भेद कुछ नहीं रहा, तो एक चिन्मात्र रहता है। ये सब इसका जो पूरी गाथा पर मैं पढ़ी उसका निष्कर्ष निकाला है। इस प्रकार मणि की भांति अब मणि आ गया हो गया उदाहरण,
मोदी गया मणि आ गया। जिस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से सर्वर्तमान है, मणि का क्या उदाहरण दिया है देखो, एक होता है दीपक है? जो तेल का दीपक जलाते हैं ना, तो उसमें हवा लगती है तो ऐसी जो जो है वो लगभग पाती है, समझ में आए ना। तो वो कहते हैं कि मणि दीप ऐसा होता है कि उसकी जो वो किरण है वो एकदम वो एकदम झूलती नहीं है। बार बार अपने भक्ति जितने हैं उसमें भगवान को अपरा मणि दीपा भक्ता मन में आता है, हे भगवान तुम अपर मणि दीप हो। तो ऐसा मणि का दीपक जिसकी जो उजेला है वो डोलता नहीं है, वो हलता नहीं, आप समझिए ना, देखो शांत रहता है, कम जाता है, लहरे नहीं खाता है। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अटम्ब रूप से प्रवर्तमान है ना, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को मैंने आत्मा को प्राप्त जीव है उसका मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य ही प्रलय को प्राप्त होता है, तो उसका मोहांधकार नष्ट हो जाता है। कैसे करें हम तो बताइए, जो विधि है ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो अंधकार नष्ट हो जाता है। अब ये कैसे हो गया, अभी देखो अभी बहुत आगे बहुत अच्छा आएगा, पहले मैं थोड़ा पहले से बता देता हूँ कि हम ये मानते थे कि मैं ही पंडित भगवान चंद्र में हूँ, तो सारे शरीर को भी मैं अपना मानता था। अब मैंने माना कि मैं तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा हूँ, इसीलिए परमाणु है वो भी मैं नहीं हूँ, राग भी मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ, तो जो ऐसा निकाला ना आप मणि की भांति अखंड ऐसा प्रकाश वाला ऐसा भगवान आत्मा तो बस हो गया, इससे मोहि का नाश हो जाएगा, क्रिया करेगी हो जाएगा, हो गया ना, क्योंकि इसी का नाम तो मोह था, हम इनमें अपनापन कर रहे थे, अब हमने जान ली कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो चैतन्य का पिंड है ये मैं हूँ, इसमें अपनापन हुआ, इसमें उनमें अपनापन होना था वो नाम का समोह, और उनका नाश हो गया तो अपने में अपनापन हो गया, तो मोह का नाश हो गया। इतनी तो ऐसी है, कितने उपवास करना, कितना कट करना, टेढ़ी सीधी रखना कि टेढ़ी चले, इतनी तो भाषा है, इसलिए इतनी मेहनत आपको हमें करनी पड़ रही है, भाषा की जरूरत नहीं है। सीधी सच्ची बात है कि अनादिकाल से जिन पदार्थों में हमने अपना अपनापन किया वे मैं नहीं हूँ, और उनसे भिन्न एक प्रकार की जो भगवान आत्मा है जो आज मेरी निगाह में आया, पर वो मैं हूँ, इतना होने का नाम मोह का नाश है, इतने का नाम समय दर्शन का नाम है। फिर वो शर्तें जो रखती जाती है ना, ये अगर हमने जान लिया तो हो गया समय दर्शन, हो गया तो क्या चाहिए, समय दर्शन तो नहीं होना चाहिए, नहीं हो जाएगा, गुरुदेव जी बस दिन और दो तीन को होगा और अब उसके बाद बीस को हो जाएगा। गुरुदेव बात मानी, एक आदमी था चिदम्बर वैसा था, कह रहा था कि मैंने छह महीने के उपवास किए, मैं सात महीने के भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि महावीर ने छह महीने का किया था, बोले महावीर बात मान लो, तो उसे महावीर की इज्जत बचाने के लिए नहीं। गुरुदेव की इज्जत तो हमें रखनी पड़ेगी ना, जब हम रखे कह रहे हैं गुरुदेव में एक दो ही हुए हो हमारे बिल्कुल नहीं हो, क्या तुम्हारे गुजी पत्थर पड़ जाएंगे, इसे क्या लेना देना है, बिल्कुल प्रत्येक आत्मा का बिल्कुल अलग अलग काम है,
और मुझे इसकी क्या जरूरत है कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूं कि तुम मुझे सर्टिफिकेट दो? क्यों? उस सर्टिफिकेट देने वाले के पास भी तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने राजकोट की भरी सभा में पंडाल बना था, धनंजय भाई धनंजय की चोट कहा था कि जिन लोगों को सर्वदर्शन होने का भ्रम है, कभी सम्यक दृष्टि है, उनको मैं शास्त्र के आधार पर सिद्ध करता हूं कि वे सम्यक दृष्टि नहीं है। जो भी उनका आचरण है, जो भी उनकी प्रवृत्ति है, मैं सिद्ध करता हूं, गारंटी है शास्त्र के आधार पर। और दूसरी, मैं घोषणा नहीं करना चाहता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं आप सबसे कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं। आगम के आधार पर आप सबको मैं कला सिद्ध करके बताए। समझने क्या था करूं वसंत भाई? आगम में संबंध रखने क्या लक्षण है, क्या पहचान है? अभी तुम्हें इतना तो होश नहीं है, इतना तो पता नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका पता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? वो कोई भी छोटे जा रहे ऐसे विकल्प होते ही नहीं, ऐसे विकल्पों की बात तुम करते हो। क्या मतलब है जो इसमें कितना के लिए लिखा है? यह गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं है जो ऊपरी पड़ते हैं। ऐसे उस चिन्मय मातृभाव को प्राप्त जीव मोहांधकार निराशयता के कारण अवश्य ही प्रलय को प्राप्त होता है। और मोहांधकार जो है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय बचा ही नहीं। आश्रय क्या था उसका? कि मैं पर को अपना मानता था कि उसकी उसकी जान थी, ये आश्रय था उसका। अब मैंने अपने पर को अपना मानना छोड़ दिया, अब वो कैसे रखे? निराश्रद्धा के कारण अपने आप चला गया। देखो यदि ऐसा है, देखो ये कारण अवश्य ही प्रलय को प्राप्त होता है। प्रलय लिखा ना, वो लिखा लय नेमी क्षय को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा है, आचार्य खुद ही इसने लिखा कि ऐसा है, और खुद ही यदि लिखा है, लिखा है ऐसा है ऊपर, और यदि ऐसा है तो मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। पर मैंने मोह को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। समझ में काय के लिए संबंध दर्शन चाहिए ना, मुक्ति का मार्ग चाहिए ना, सबसे पहले तो संबंध दर्शन ही होगा ना, तो वो ही चाहिए ना। तो ऐसा भी प्रश्न करो कि संबंध दर्शन हो, होता नहीं बहुत कोशिश कर लीजिए, अब उसे गर्व रखो, अब तो समाज में इसे स्वर्ग तो मिल जाएगा। अरे स्वर्ग के लिए क्यों दुभा रहे हो? स्वर्ग के लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सब लोग देवगति में जाने वाले हैं, उससे लिख के ले लो, और नहीं गए तो क्या करोगे? मुझे हाथी में चढ़ाओगे? लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आगम प्रमाण की, आपको घबराना नहीं। अभी यही सब देवगति में जाने वाले हैं। क्यों? जो आदमी निकला है जिस बाजार में आया है ना, तो 2000 सागर कुछ अधिक के लिए आया है। तो 2000 सागर में 2/3 तो देवगति में रहेगा, और 1/3 नरक में रहेगा, और जो कुछ अधिक है उनमें मनुष्य वृद्धि गति आएगी। तो जो तिहाई देवगति में रहना है तो इतने अधिक जीव देवगति में जाएंगे तभी तो होगा ना, इतने अधिक देव होते होंगे ना। अभी हमें जो 6 अरब मनुष्य दिखते हैं दुनिया में, आज उन 6 अरब मनुष्यों का निगाह डालो, उनका खान पान, उनकी श्रद्धा, उनका आचरण, उन दूसरों की वो कितने उन्हें हत्या करते, मान करते, ये सब आप समझे जैसा भी है,
उनमें अपन जीवियों जैसे कोई है? सब जीवियों की बात करता हूं, जीवियों जैसा भी आचरण उनमें से किसी का ही नहीं है। हम कितने ही भ्रष्ट हो गए हों तो भी उन सब से बहुत उत्कृष्ट है। कितने मुट्ठी में पैंतालीस लाख ये जीव नहीं जाएंगे देवगति में तो देवगति का कोटा कैसे पूरा होगा? मुझे बताओ, जब पूरे 5 वर्ष ही जाएंगे तो हजारे जाएंगे वे जाएंगे, इसलिए तुम उसकी तो फिक्र ही नहीं करो। देव गति तो प्रति गारंटी, मैं थोड़ा सुधार कर लिया। आपको समझ में आया हो कि नहीं आया हो? पहले मैं सुरक्ष की बात कर रहा था, सुरक्ष में अगर देव गति से आए आपको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क ये है कि देव गति में भवन वास की जोश भी आते हैं, बहुत ज्यादा है इनकी संख्या, समझे ना? अरे कहा जैनी तो सब मर के बेहतर ही होने वाले हैं। अब आप जो यहाँ जाए वो क्या मनीषा जी दादी होगी, वो मेरे बाबा हो गए, मेरा फलाना हो गया, सबको जाके उन्हें बहुत होंगे तो आते दिखते हैं, वो सब झूठे नहीं है, वो सच्चे हैं। समझ रहे ना? क्योंकि समय दर्शन तो है जिससे मुझे दादा कोई शांति वाली बात हो, पर एक सामान्य पुण्य की बात है तो सामान्य पुण्य तो सबके पास है, चले जाएंगे। अरे तुम तो क्या अलेनी होते है ना, ही द्विता ऋषि पत्ते देवी दिखाया साथ में परम हंस नामा परमति आगे सहस्राद नहीं गति। परम हंस नाम के परमति बाद में स्वर्ग तक जाते हैं, और अभी हम तो जो है ना पहले दूसरे से आगे भी नहीं जाते। क्यों? अब तो आ गया लोग 16 स्वर्ग तक आ गया, कोई 12 मिनट तक आ गया, कोई 16 स्वर्ग तक आ गया, पंडितों ने निकाल निकाल ही रहा है। लेकिन उन्हें बहुत शर्तें हैं, तो मुंह में ज्यादा पानी में भरा ना, उसमें एक ईर्ष्या होनी चाहिए, संगीन होना चाहिए। आपके उत्तरवाद को संगीन तो है ही नहीं, गुरदेश्या तो है ही नहीं, तो तुम नहीं जाओगे। आप समझ रहे? तो भी 2-4 सुरंगों तक तो कोई बहुत साधारण बात है, देव गति में ऊपर भी मतलब स्वर्ग में भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। को इसके लिए तो पहले ये बताया कि उनकी क्या दुर्दशा है, विशेषणा है ना, ने चक्रवर्ती और इंद्र और सब की जो हमारे मुंह में पानी भर भर आता है, उनके दैवत को सुन सुनकर वर्तमान युग में पढ़ते हैं तो उनका दैवत लिखा है, उसे सुन सुनकर कभी कभी हम पढ़ने के लोग भी गा गा के बताते हैं। क्यों? वो चक्रवर्ती का हलुआ चेहरे बनता है, उनका क्या दम है उसमें सब बातों में, समझिए ना। ये क्या करोगे उसका? ये जैन धर्म हम और आप गुरुदेव श्री के अनुयायी बने हैं, ये तत्व ज्ञान हमें मिला है तो ये मोक्ष में जाने के लिए मिला है, समय दर्शन की प्राप्ति के लिए मिला है, जो प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। ये बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए।